एवरीवन, तो इंडियन आइडल का बीते वीकेंड का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा शानदार था। साथ ही साथ हमारे टॉप 11 कंटेस्टेंट्स ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देके जजेस को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया था। वहीं हम सभी को एक शॉकिंग एलिमिनेशन भी देखने को मिला था, जहाँ पर कि मुस्कान श्रीवास्तव एलिमिनेट हो गए। उसके बाद बच गए यहाँ पे हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट, और मुस्कान के एलिमिनेशन के बाद इन टॉप 10 कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी रैंक में ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिला है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे बड़े बड़े कंटेस्टेंट टॉप 5 से बाहर हो चुके हैं, यहाँ तक कि टॉप 2 में भी बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। तो क्या है पूरी अपडेट, चलिए जानेंगे हमारे आज के इस खास वीडियो में कौन से कंटेस्टेंट है कौन से नंबर पर, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो नंबर 10 पर अंजना पद्मनाभान। जी हाँ गाइस, ये भले ही बहुत ही अच्छी सिंगिंग करती हो, लेकिन इन्हें ऑडियंस पसंद नहीं करती, इन्हें सबसे कम पसंद किया जा रहा है, इस वजह से ये नंबर 10 पर रैंक कर रही है। वही नंबर 9 की बात करूँ तो पीयूष पनवार आ रहे हैं। जी हाँ गाइस, पीयूष की भी सिंगिंग लाजवाब है, बहुत अच्छा गाते हैं, बट ऑडियंस इन्हें उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है, इस वजह से ये नंबर 9 पर रैंक कर रहे हैं। वही नंबर 8 की बात करूँ तो दीपन मित्रा रैंक कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, दीपन मित्रा को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिल रहा है और जजेस भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस इन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती, इस वजह से ये 8th नंबर पर रैंक कर रहे हैं। वहीं अगर मैं 7th नंबर की बात करूं तो वैभव गुप्ता रैंक कर रहे हैं। वैभव की भी सिंगिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, साथ साथ ऑडियंस ने पसंद कर दी और ये 7 नंबर पर रैंक कर रहे हैं। वहीं 6th पोजीशन की बात करूं तो शुभदीप दास आए हैं। जी हाँ गाइस, शुभदीप दास इस बार टॉप 5 से आउट हो चुके हैं। नंबर 5 की बात करूं तो उत्कर्ष वानखेड़े हैं। उत्कर्ष की सिंगिंग ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, साथ ही साथ ये हर बार टॉप 5 के अंदर आते हैं और इस बार ये 5th पोजीशन पर आए हैं, हालांकि पिछले बार ये 4th पोजीशन पर थे। अब अगर नंबर 4th पोजीशन की बात करूँ तो आद्या मिश्रा आई है। जी हाँ गाइस, आद्या की सिंगिंग काबिले तारीफ है, साथ ही साथ इन्हें बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस पसंद करती है। भले ही जजेस इन्हें कम स्कोर देते हों, इन्हें बॉटम में ले आते हों, लेकिन फिर भी ऑडियंस को इनकी सिंगिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हर बार इन्हें अच्छा खासा वोट्स भी देती है और पॉपुलर भी, इस वजह से ये नंबर 4 पर रैंक कर रही है। की बात करूँ तो शॉकिंग नेम निकल के सामने आ रहा है, मेनुका पौडेल। जी हाँ गाइस, मेनुका जहाँ पर कि टॉप 2 के अंदर नजर आती थी, वहीं इस बार इनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी गिर गई और ये नंबर 3 पर रैंक कर रही है। तो नंबर 2 पर कौन है, चलिए आपको बताते हैं। तो नंबर 2 पर है अनन्या पाल। जी हाँ गाइस, अनन्या की बेहतरीन सिंगिंग की वजह से ये नंबर 2 पर रैंक कर रही है। ऑडियंस इन्हें बहुत ही ज़्यादा वोट्स कर रही है, सपोर्ट कर रही है, प्यार दिखा रही है और ये पॉपुलर भी हो चुकी है, इस वजह से ये नंबर 2 पर रैंक कर रही है। और मेरी भी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कंटेस्टेंट है अनन्या। और नंबर 1 की बात करूँ तो हम सभी के फेवरेट ओवम टांगू आए हैं। जी हाँ गाइस, ओवम की सिंगिंग की तो क्या ही बात की जाए, हमारे वर्सिटाइल सिंगर और इनकी कमाल की रोमांटिक वॉइस की वजह से सभी इनके गाने के दीवाने हैं। ऑडियंस इन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स करती है और हर बार ये नंबर 1 पर नजर आते हैं, इसी वजह से ये शो में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और पॉपुलैरिटी रैंक में नंबर 1 पर नजर आते हैं। वैसे मेल सिंगर्स में मुझे ओवम की सिंगिंग सबसे ज़्यादा पसंद है, साथ ही साथ फीमेल सिंगर में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद अनन्या की सिंगिंग है। वैसे आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा आपके फेवरेट सिंगर कौन है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और इसी तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि मैं जब इस तरह की और वीडियोस लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।